हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ नगमा वसीम की डायरी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आपके साथ कुछ और रेसिपीज शेयर करूँगी रमज़ान प्रिपरेशन के लिए। उसके लिए फिर मुझे शॉपिंग के लिए आना था, तो अभी हम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, चीज़ें ले लेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ हम रेसिपी शेयर करते हैं। तो आइए फिर कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। नाउ फाइनली वी कम टू एन एंड ऑफ आर शॉपिंग। तो आइए फिर हम रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं दही बड़े बनाऊँगी, जिसके लिए कि मैंने 2 फुल कप दाल को मैंने सोक करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप चाहिए तो ओवरनाइट रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बड़े अगर तैयार रहेंगे तो फिर दही बड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको बना के मैं रेफ्रिजरेट कर लूँगी। यहाँ पे मुझे दाल सोख के 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी, एक फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। इसमें मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च ऐड की है। यहाँ पे मेरी सारी दाल पिस गई है। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो बहुत थिक है। खैर, यहाँ पे अभी मैं ब्लैक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और फिर इसको चाहे आप विक्स से या तो फिर ये हैंड ग्राइंडर से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिक्स करना है। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना लाइट और कितना फ्लफी हो गया है। इसे हम एक बाउल में पानी लेके अभी डालेंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ फ्लोट होगा। मीन्स कि हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब आते इसे फ्राई करते हैं हम। इस तरह से मैं अब सारे बड़ों को फ्राई करूँगी। इस तरह से फ्राई करना है, देन फ्लिप करना है। देखिए कितने फुले फुले से बड़े हो गए हैं। इन सबको अब मैं निकाल लूँगी। अब ऐसे ही किसी यूटेंसिल्स में रखिए जिससे कि तेल सारा गिर जाए। उसके बाद किसी प्लेट में किचन टॉवल को बिछा कर रख दे जिससे कि सारा ऑयल वो ऑब्ज़र्व कर ले। देखिए कितने फुले फुले, कितने क्रिस्पी से हुए हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था। अब इस तरह से मैंने इन सबको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने पैक कर दिया है। अब मैं इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। आइए तो अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बहुत है। यहाँ पे मैंने कीरी लिया है। आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं जो थोड़ा सा थिक सा हो और इजीली फिलअप हो जाए। तो इस तरह से मैंने सारे चीज़ को पीस 4-4 पीस में कर लिया है कि छोटे छोटे से मैं समोसे के शेप में बनाऊंगी। और इसी तरह से सारे शीट को भी मैंने 4 पीस में कट कर लिया है। आप जो शेप चाहे उस शेप में बना सकते हैं। मैंने 2-4 पॉकेट शॉर्ट ऑफ बनाया था, बाकी मैंने फिर समोसे के शेप में बनाया है। तो हैव अ लुक। पता नहीं मैंने बातों में आपको बताया है कि नहीं बताया है, बट जो ये शीट को स्टिक करने के लिए जो मैं बैटर यूज़ कर रही हूँ वो मैदा और पानी का मिक्सचर है। जी हाँ जी, इससे काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सबको बना लिया है। अब मैं समोसे के शेप में सबको बनाऊँगी। इसको क्या है, रमज़ान में मैं आपको दिखा पाऊँगी कि इसको जो बेसिकली मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, चाहे आप इसको फ्राई करें या फिर बेक करें या एयर फ्राई करें, उसके बाद इस पे मैं हनी डालूँगी। हनी डाल के फिर इसको हम खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है चीज़ एंड हनी का जो कॉम्बिनेशन है। टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा और साथ ही साथ खाने में कुछ हेल्दी भी हो जाएगा। ये देखिए ऐसा क्यूट सा शेप बन रहा है समोसे का। ये रेडी हो चुका है। आइए तो अब हम अपने नेक्स्ट रेसिपी पे चलते हैं। यहाँ मैं पनीर बना रही हूँ और यहाँ पे मैं पनीर नट फिलिंग बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप अबाउट अजवा खजूर लिया है। इसको मैंने
माइक्रोवेव कर लिया था 30 सेकेंड के लिए, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया। इसे डीसीट करने के बाद मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये एक तरह से हेल्दी हो जाएगा, जो डायरेक्टली खजूर नहीं खाता है तो इनडायरेक्टली खजूर खा लेगा। तो इसे अब मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने हाफ कप आलमंड लिया है। आप कुछ कोई भी नट ले सकते हैं, एनी नट, वॉलनट, कैशू नट, कोई भी। इन्हें भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर, एटलीस्ट 1 कप पनीर मैं ऐड कर रही हूँ, 1 फुल कप। इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। जो पनीर मैंने अभी दिखाया था स्टार्टिंग में मैं बना रही हूँ, वही पनीर है ये। यहाँ पे मैं 1 कप पनीर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद 3 to 4 teaspoon हनी। अच्छा, तो जितना मैंने क्वांटिटी बताया उतनी ही क्वांटिटी आप डालिएगा। एंड इसका टेस्ट ना बकलावा स्टाइल थोड़ा आता है, अगर आप सऊदी या गल्फ कंट्री का थोड़ा सा ट्रेडिशन इसमें टच होता है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर यहाँ पे एट द एंड मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है और इन सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसकी मैं फिलिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने रेडीमेड डो लिया है, आप घर पे बना सकते हैं। बस यहाँ पे मैं जो फ्लोर का मैंने बैटर बनाया था वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से फिलिंग की है, आप कोई भी स्टाइल से फिलिंग कर सकते हैं, चाहे समोसा स्टाइल या फिर पॉकेट या फिर ऐसे गुजिया के स्टाइल में, कोई भी स्टाइल में बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया है एंड फिर लास्ट में मैंने फोक से इन सबके साइड को लॉक कर दिया है। इसे मैं एयर फ्राई करूँगी। अगर आप फ्राई करेंगे तो फ्राई में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसके ऊपर अगर आपको स्वीट कम लगे तो आप हनी ऐड कर सकते हो। तो इसमें मैं भी हनी ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पे अंदर में मैंने हनी बहुत कम डाला है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है मटन कीमा पफ पेस्ट्री। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल हीट किया है, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हल्का सा कैरमलाइज किया है। फिर उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और उसे तब तक फ्राई किया है जब तक उसकी रॉ स्मेल नहीं चली गई। अब जिंजर गार्लिक का यहाँ पे रॉ स्मेल जा चुका है। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी 1/2 kg मटन कीमा और इसे भी अनियन के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक इसका पानी ना जल जाए। कीमे के समोसे ना हो या पफ पेस्ट्री ना हो तो फिर मज़ा कैसे आएगा रोज़े में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कीमे के समोसे तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन मैंने कहा चलो पफ पेस्ट्री, मैंने चिकन के समोसे नहीं, मैंने चिकन के रोल्स वगैरह बनाए हैं शायद पिछले जो वीडियो में मैंने डाल रखा है। अगर जिन लोगों ने देखा है, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देखें। तो यहाँ पे मैं पफ पेस्ट्री की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी या मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड जो नए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर डाला है, 1.5 teaspoon चिली पाउडर ऐड किया है एंड 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालें क्योंकि ज़ीरा पाउडर का जो स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे, नकमा के कहने पे। एंड उसके बाद मैंने इसमें 1/2 teaspoon गरम मसाला ऐड किया था और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर इसे अच्छे से मैंने भून लिया था। एंड एट द एंड उसमें मैंने 1/2 कप वाटर ऐड किया और उसे ढक दिया था क्योंकि मटन का कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मशीन का कूटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मैंने 1/2 कप डाल के इसको फिर ढक के रख दिया था। तो फिर कीमा अपना बन रहा है और हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो फिर आपको कोई भी चीज़ें या आपको कुछ भी शेयर करना हो मेरे से तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें, या कोई भी रेसिपी हो आप डाल सकते हो तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ पे अब मेरा कीमा रेडी हो गया था नियर अबाउट, तो मैंने यहाँ पे चॉप कोरिएंडर एंड चॉप चिली, ग्रीन चिली मैंने ऐड किया और फिर थोड़ा से अच्छे से मिक्स किया एंड इट्स ऑल रेडी। इसके बाद अब मैं फिलिंग शुरू करूँगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं मटन कीमा पफ पेस्ट्री का।
यहाँ पे मैंने पफ पेस्ट्रीज़ के जो पफ थे वो मैं रेडीमेड लेकर आई हूँ और यहाँ पे बस फिलअप कर रही हूँ वन बाय वन। और ऐसे फिलअप करने के बाद मैं फोक की हेल्प से इन्हें अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि जो स्टफ़ है वो बाहर ना आए। वन बाय वन मैं इन सबको ऐसी स्टफिंग करूँगी और फिर सारे ऐसे रेडी करके मैं इन सबको एयर टाइट कंटेनर में डाल के और पैक करके मैं रेफ्रिजरेट कर लूँगी। फिर भाई रमज़ान आएगा, फिर इजली हर चीज़ हम बना लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़हीन जो इतना डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी चीज़ नहीं हो पाएगा। तो फिर अब थोड़ा बहुत पकौड़े एंड ऑल बनाना होगा तो वो तो मैनेज हो जाएगा। आपके साथ ये वीडियो शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।